अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अजीम खान, हमेशा की तरह एक नई रेसिपी के साथ। और नई रेसिपी जो आज मैं बनाने जा रहा हूं वो है लैम शैंक विद रतातोली वेजिटेबल, रोस्टेड गार्लिक एंड विद जो के साथ। और इसके लिए जो मुझे चाहिए वो है लैम शैंक। ये मैंने दो पीस लिए हैं लैम शैंक के। इसके लिए चाहिए मुझे रतातोली वेजिटेबल बनाएंगे इसके साथ। इसके साथ मुझे चाहिए डाइस टमाटो, डाइस कैप्सिकम, डाइस ऑनियन, डाइस ही मैंने जुकीनी की हुई है, और डाइस एग प्लांट। और इसके लिए हमें चाहिए होगी टमाटो सॉस रतातोली के लिए। और सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमें रोजमेरी लूंगा मैं, रोजमेरी लीव्स, मस्टर्ड पेस्ट, फ्रेश ब्लैक पेपर, सॉल्ट, एंड ऑयल। 1 टेबलस्पून लेना है हमने ऑयल। इसको अच्छी तरह लगा लेना है। अच्छा, कुछ लोग इसको साथ पसंद करते हैं, वर्सरशियर सॉस भी लगा लेते हैं इसके साथ, पपरिका पाउडर भी ऐड कर लेते हैं, टमाटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं आप। लेकिन मैं एक सिंपल और बेसिक जो है शैंक बनाने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ एडिशन आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको अरेबियन स्टाइल में भी बना सकते हैं, आप इसको पाकिस्तानी स्टाइल में भी बना सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी स्टाइल में बनाएंगे तो उसके लिए आपको इसके लिए मसाला जात जो पाकिस्तानी लेने पड़ेंगे, जैसे कि गरम मसाला और टमाटो पेस्ट लग जाएगा, रेड चिली इसके अंदर आ जाएगी। अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो इंग्लिश स्टाइल में है, बेसिक स्टाइल के अंदर। तो इसके अंदर हम इसको मैरिनेशन कर लेंगे ऐसे। ये रोजमेरी हमने इसको लगा लिया, ये मैरिनेशन तैयार है इसकी मैरिनेशन के लिए। अच्छा, शैंक को हमने लगाना है ओवन में। ओवन के लिए हम थोड़ी सी इसके लिए साथ लगाएंगे मैरीपुआ वेजिटेबल, हमेशा मैं कहता हूं, कैरेट, लीक, ऑनियन, हाफ ऑनियन लिया मैंने, गार्लिक 3 से 4 क्लोव्स, और सेलरी। इसको लगाएंगे ऐसे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको ओवन के अंदर 180 टेम्परेचर के साथ रख के इसको ओवन के अंदर डाल देंगे हम। इसको एक कवर करके पकाएंगे, तकरीबन आपको 45 मिनट इसको कवर करके पकाएंगे और 30 मिनट इसको विदाउट कवर पकाएंगे, ताकि ये रोस्टिंग हो जाए, इसका कलर आ जाए ज़बरदस्त का, ताकि क्रिस्पी भी हो और टेंडर भी हो। इसको हम ओवन करते हैं, तो शेफ साहब मेरी हेल्प करें इसको थोड़ा सा, आप कवर करके इसको ओवन कर दें। अच्छा, रोस्टिंग के लिए हमारी शैंक चली गई है, हमने ओवन के अंदर डाल दी है। इसके लिए हमें चाहिए होगा, जैसा कि मैंने बोला है, रोस्टेड गार्लिक के साथ देना है हमने। तो रोस्टेड गार्लिक का तरीका ये है, इसको एक शिन में डालेंगे, सॉल्ट लगाएंगे, इसको हल्का सा सॉल्ट देंगे, टू ड्रॉप्स ऑयल, इसको मिक्स करेंगे और इसका इसे पॉकेट बना के इसको ओवन में लगा देंगे। ये भी आपकी ओवन में चली जाएगी उसी तरह जिस तरह आपकी शैंक ओवन के अंदर गई है। ओवन में लगाते हैं इसको, जब तक हमारी शैंक पकती है, ओवन में पकती है, हम रतातोली वेजिटेबल बना लेते हैं। ये सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डालूंगा, चॉप गार्लिक 1/2 टीस्पून, सोते करेंगे हल्का सा इसको, अरोमा आना शुरू हो गया। साथ ही हम अनियन डाल देंगे इसके अंदर, डाइस करके रखे हुए हमने,
जुकीनी, ये हल्की सी टेंडर हो गई है, सॉफ्ट हो गए हैं जुकीनी भी, और वो भी हम डालेंगे इसके अंदर। कैप्सिकम जो डाइस करके रखी हुई है, कलर कैप्सिकम है, रेड भी, येलो भी और ग्रीन भी, तीनों कलर की मैंने ली है इसके अंदर। हल्का सा इसको सोते करेंगे, ये टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो गया, जो ही सॉफ्ट होगा इसके अंदर डालेंगे हम टमाटो डाइस करके रखे हुए हमने, एग प्लांट, एग प्लांट भी डाल दिया हमने। आएंगे इसकी तरफ, टमाटो पेस्ट, टमाटो सॉस हमने बना के रखा हुआ है, दो से तीन टेबलस्पून जो मैंने इसके अंदर टमाटो सॉस डाला है। अच्छा, अगर आपके पास बेजल फ्रेश है तो वेरी गुड, अगर फ्रेश बेजल नहीं है तो पिंच ऑफ बेजल जो मैं ड्राई डाल रहा हूं इस वक्त, बेजल, ब्लैक पेपर क्रश ऑन योर चॉइस, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप, हमेशा मैं कहता हूं कि चिली आप अपनी मर्जी की डालें, पिंच ऑफ सॉल्ट, इसके दो से तीन मिनट तक पका लेंगे इसको। इसको अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा कुक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको क्रंची रखें, क्रंची खाने का एक अपना ही मज़ा है, अगर क्रंची रखना चाहें तो ये आपकी ऑलमोस्ट रेडी है। एक से दो मिनट तक इसको और पका लेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जी आपकी ऑलमोस्ट तैयार है, इसको साइड पर करते हैं, चलते हैं शैंक की तरफ। शैंक आपकी ऑलरेडी पक चुकी है, चलते हैं हम प्रेजेंटेशन की तरफ। ये रोस्ट हो चुकी है, अभी इसकी जो नेचुरल जू है वही हम इसके अंदर ऊपर यूज करेंगे, गार्निश के लिए भी और एज ए सॉस भी। ये नेचुरल जू, थोड़ा सा इसके अंदर बटर ऐड करेंगे हम, बिल्कुल तैयार है लगाने के लिए। ये नेचुरल जो इसकी बिल्कुल रेडी है, देखें इसी तरह था, उसी में इसको अंदर हमने हल्का सा बटर डाला, 10 ग्राम बटर ऐड किया, तो ये इस लिक्विड शैंक में हो गया। चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, इसको स्टेन कर लेते हैं शैंक। अच्छा, ये जो है इसको स्टेन कर लेते हैं हम, ये स्टेन हो गया, इसी को हम इसको यूज़ करेंगे इसके ऊपर। ये जू प्यारा है आपकी, नेचुरल जू है बिल्कुल, इसका एक अपना ही टेस्ट होता है खाने का। चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, सबसे पहले हम वेजिटेबल लगाएंगे। रतातोली वेजिटेबल, रतातोली वेजिटेबल लगा दिया हमने। शैंक हमारी कुक है ऑलरेडी, रोजमेरी, जो रोस्टेड गार्लिक हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, रोस्टेड गार्लिक,
और एंड पे नेचुरल जूस। ये आपकी प्लेट बिल्कुल तैयार है। तो नेक्स्ट रेसिपी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा यूट्यूब चैनल है कलनरी हीरोज। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अजीम खान को दीजिए इजाजत। और ये बिल्कुल टेंडर है, बिल्कुल आपको दिखा दूं, ये बिल्कुल टेंडर है। देखें ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तब तक अजीम खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।